अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जमशेद ग्राफिक्स। और आज हम एक ऐसे इमेज को जिसके जैसे फेस के ऊपर स्पॉट्स और काफ़ी सारे मतलब ये रफ जो है ना सरफेस और द फेस का, इसको हम प्रॉपरली क्लीन करके एक खूबसूरत अट्रैक्टिव इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। की तरफ ये इमेज हमारे पास है, ये देखिए, ये रफ इमेज। अक्सर जो है आप इमेज लेते हैं और रफ लेते हैं और बाद में उसे एडिट करके क्लीन किया जाता है। इसके एक मेथड तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है अपने पुराने वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप इमेज लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। ये याद रखिए आपका इमेज मोड जो आज भी हो, आप फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर, जूम कीजिए। सबसे पहले आप अपनी सैचुरेशन जो है इसको इन्हांस कर लीजिए, इसका लेवल आप देखिए जहाँ पर आपको कलर बैलेंस लगे वहाँ पर आप कीजिए। फिर आप यहाँ से डेजा इसे आप ओपन कर, इसे जो है आप इन्हांस कर दीजिए, क्लियरिटी। ये देखिए जैसे हम क्लियरिटी को, ये इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगा, हम थोड़ा सा क्लियरिटी को इन्हांस करेंगे और टेक्सचर को हम माइनस में ले जाएंगे। माइनस में ले जाती है हमें, काफी जो है फेस क्लियर होना शुरू हो गया है, क्लियरिटी को हम प्लस में ले जाएंगे। काफी हद तक इमेज क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये स्पॉट्स काफी सारे इस पर विजिबल है। पे आते हैं और इसके अंदर शेडोज को थोड़ा सा इनहांस करते हैं, हाइलाइट्स इनहांस करेंगे, मामूली सा कंट्रास्ट थोड़ा सा उठाएंगे। ओके, ये देखिए कुछ काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। इससे करने से इनकी जो शेड्स हैं ये बेहतर हो गए। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, आप एक नई लेयर ओपन करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश की जो है ओपेसिटी ये आप 30 कर लीजिए, ठीक है। और जिस जगह पर काम करना चाह रहे हैं, जहाँ पर स्पॉट्स हैं, वो आप ब्रश को आप याद रखिएगा कि सॉफ्ट आपका ब्रश सॉफ्ट हो, हार्ड ब्रश जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। और जनाब इस तरह से ज़्यादा लग रहा है, 25 करते हैं। जहाँ जहाँ आपको स्पॉट्स अब नजर आ रहे हैं, दुकान करीब से आप स्किन कलर पिक कीजिए और प्रेस करके आप अपना शॉर्टकट से पिक कर सकते हैं। Thank you.
जहाँ जहाँ पे आपके स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता उसे तो ये जो एक मेथड था जो एक आसानी से इमेज को क्लियर किया जा सकता था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे काफ़ी अरसे से मैसेज आ रहे थे कि अक्सर फोटोग्राफर भाई जो हमारे वो इन चीज़ों पे फंसे होते हैं और वो करना चाह रहे हैं कि किसी शॉर्टकट तरीके के साथ। तो ये एक शॉर्टकट था, पहले भी मैंने एक शॉर्टकट तरीका जो है वो पिक्चर रॉ से जो है बताया था, अपलोड की हुई है मैंने उसकी वीडियो। ये दूसरा मैंने मेथड जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया कि किस तरीके के साथ ये किया जाता है। तीसरा एक और मेथड है मेरी, आप आने वाली वीडियो जो है वो उसके ऊपर होगी। ये जो है पुराने वर्जन्स के लिए ये मेथड यूज़ होता था, अब जो मैं आपको तीसरा अपना मेथड है वो अपलोड करूँगा वो यूजली जो है जो पुराना फोटोशॉप 7 जो है वो उसके लिए वो हम लोग मेथड यूज़ किया करते थे किसी ज़माने के अंदर। तो ये इंशाल्लाह वो भी आपके साथ अपलोड करूँगा। देखते रहें मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह मुझे टिप्स आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।